मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तो प्यारे साथियों, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो आता जाता रहेगा। इसलिए सुख को संभालिए और दुख से संभलिए। अगर ऐसे ही मजेदार कोट सुनना चाहते हैं तो संस्कारी मनुष्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।